भाई कह रहे थे वहां से यार वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैं कहां रुकने वाला, ये स्पाइस जेट के प्लेन्स पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहली बार लाइफ में। इट्स अ कैप्टन साहब हैं हमारे, ये हमारे कैप्टन फ्लाइट के। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है परमीत और स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल परमीत व्लॉग्स में। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, नए व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी पहली फ्लाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज है 7 मार्च 2024 और आज मैं अपनी पहली उड़ान भरूंगा, पहली बार अपनी फ्लाइट में जाऊंगा। लेकिन अब बात ऐसी है, आज हो गया एक मसला ये है क्योंकि आज 7 मार्च है और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट है कश्मीर में, जिसकी वजह से पूरा कश्मीर को मतलब लॉकअप करा गया है, मतलब जो मेजर से साइट्स हैं लाइक जहां से एयरपोर्ट रोड है, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। अभी हम सुबह के 7 बजे और हम निकलने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी फ़्लाइट जो 11:30 के बीच में है वो मिस ना हो। इसलिए अभी हम सुबह मैं रेडी हूँ, ये मेरा आज का आउटफिट है और ये मेरा भाई बिल्कुल रेडी है, पीछे आप देख रहे होंगे। तो निकलते हैं जल्दी से घर से और देखते हैं आज का दिन कैसी कैसी हमें चुनौतियां मिलने वाली हैं, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचना इतना इजी नहीं है भाई आज। क्योंकि देखो यार मेरी किस्मत ही खराब है, मतलब मैं पहली बार फ्लाइट में जा रहा हूं और ऐसा हो रहा है कि इतनी रोड ब्लॉक वगैरह होगी। क्योंकि अगर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर वहां पे आ रहा है तो सिक्योरिटी रीजंस तो काफी हाई अलर्ट होंगे। तो हम कोशिश करेंगे, कार्ड्स वगैरह तो हमारे साथ हैं, आधार कार्ड या हमारा एम्प्लॉय आईडी। तो आज हमारा ऑफिस नहीं है, आज है हमें जम्मू जाना, लेकिन वहाँ भी चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं आगे आज दिन में क्या रहने वाला है, कैसी कैसी चुनौतियाँ दिन भर आने वाली हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब भी कुछ अच्छा काम करना हो तो चुनौतियाँ तो आपको मिलेंगी ही। तो पहली बार अगर ये ऐसा काम कर रहा हूँ या मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो एक्साइटमेंट के बीच में कुछ चुनौतियाँ होंगी। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। गाइस अभी है सुबह के 7:30 और मैं सड़क पे निकल चुका हूँ। एक्चुअली आपको पता ही है मेरी फ़्लाइट है, पर मसला ये हो गया है। तो देखो यार पैदल चलना पड़ रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट में हमें पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो है उनको बंद कर रखा है, डाइवर्जन कर रखे हैं। तो सुबह कोई गाड़ी भी नहीं है तो जाना पड़ रहा है हमें ऐसे। तो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं क्या होता है, कब तक मैं पहुंचूंगा। भाई उमेश मेरे साथ है, जिसने मेरे साथ बैग मेरे पकड़ने में हेल्प करी है, और ये संदेश भाई आगे आगे जा रहा है। सड़कों पे कोई नहीं है लेकिन जा रहे हैं पैदल, क्या करें यार, अगर हम थोड़ा लेट होते तो शायद हमारी फ्लाइट मिस हो जाती। तो गाइज फाइनली हमें एक ऑटो वाले अंकल मिल गए थे, तो उनके साथ वो हमें एयरपोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन साइड पे आप जो जितनी भी स्कूल की बसेस देख रहे हैं, इतने स्कूल के बच्चे हैं और ये आज पीएम रैली में शिरकत करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, और ये कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है यार, लुक एट दीज व्यूज़, अमेजिंग। ये कौन सी शेप में इसको बनाया है एग्जैक्टली मैं तो नहीं जानता, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अंडरग्राउंड ही है, और अब लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि सबको पता है बाद में रोड्स ब्लॉक हो जाएंगी। तो हम भी चलते हैं अब अंदर की तरफ और अपनी मतलब जर्नी को स्टार्ट करते हैं कि अंदर क्या क्या रहने वाला। तो अभी है हम गेट नंबर 1 पे और यहाँ पे हमें अपनी आईडीज़ वगैरह चेक करवानी है, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अंदर। गेट नंबर होते से हम अंदर आ चुके हैं, गेट नंबर को 1 को क्रॉस करने के बाद अब अंदर देखते हैं और क्या होगा, पूरा प्रोसीजर आपको। तो गाइज अगर आपके पास बैकपैक्स के अलावा एक्स्ट्रा लगेज है तो यहाँ पे आके उसको थोड़ा सा वेरीफाई करवाना है गेट नंबर 2 के पास, तो वो मैं करवाने के बाद, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज था। तो लुक एट दीज व्यूज गाइज, तो मैं हूँ अभी एयरपोर्ट के अंदर और ये फीलिंग्स आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग हैं, सुबह सुबह सब यहाँ पे आए हुए हैं। ये है हमारा भाई उमेश और साथ में संदेश। तो गाइज अब एक और लाइन, यहाँ से हमें टिकट मिलेगी और लगेज भी यहाँ सबमिट करेंगे। एक बार फिर से हम लाइन में हैं क्योंकि लगेज जो है वो मुझे सबमिट करवाना है, तो लाइन्स में ही लाइन्स में रहना पड़ता है फिलहाल। तो मुझे है फर्स्ट टाइम, इसको है सेकेंड टाइम। सो फाइनली गाइज मुझे मेरी टिकट्स मिल गई और ये है मेरे सामने टिकट्स, एक्साइटेड। हमारा पास हो गया है, हम यहाँ से चेकिंग वगैरह करवा के अब थोड़ा लॉन्च की तरफ जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर देखते हैं क्या। फ्लाइट हमारी है 12:30 बजे, लेकिन एक्चुअली हम जल्दी आ गए हैं। रीज़न है इसका बहुत बड़ा, क्योंकि आज हमारे पीएम साहब प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस वजह से रोड सारी उनको सारी रोड्स को ब्लॉक कर दिया था, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना था क्योंकि उनको 10 बजे आना है।
तो गाइज जैसे कि आपको पता है हम सुबह इतने जल्दी यहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि हम 8 बजे ही यहाँ पहुँच गए थे। हमारी फ़्लाइट है 12 बजे और हम 8 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है और पूरा दिन अभी यहाँ पे हमें बिताना है। हम पागल होते जा रहे हैं, 1 घंटा हो गया है हमें यहाँ पे और कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं, तो सोचा चलो आपको कुछ आगे पीछे व्यूज़ दिखा लूँ एयरपोर्ट के। गाइज हमें लगी है बहुत ज़्यादा तेज़ भूख, तो देखते हैं कहीं कुछ खाने को मिलेगा। यार रेट्स यहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं कि सोचो मत। मैं तो सजेस्ट करूँगा जब भी प्लान करते हो अगर आपके पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं तभी यहाँ पे आप खा पा सकते हो, क्योंकि एक जो 50 रुपये का चिप्स यहाँ पे आपको 150 रुपये का मिलेगा। तो आप तो ये मेरे भाई हम सर्च ऑफ फूड है खाने की तलाश में भटक रहे हैं, यहाँ पे कुछ निकलो देखते हैं कहाँ उस साइड देख रहे हैं कहाँ पर हमें कुछ खाने के लिए मिले। तो भाई साहब कुछ खिला पाओगे आज या नहीं मालिक? बिल्कुल वी हैव क्रेडिट कार्ड्स, तो क्रेडिट कार्ड्स का पूरा प्रयोग हम यहाँ पे आज करेंगे। लाउंज एक्सेस तो हमें नहीं मिल पाया, जो मैं ये सोच के आया था कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है यार, लेकिन यहाँ पे ना वो क्रेडिट कार्ड जो है मतलब चलता ही नहीं है, वो है ही नहीं इनके पास जिससे हम बेनिफिट्स ले सकें। बट मैंने जब वो क्रेडिट कार्ड का अपने साइट पर चेक करा था तो इस होटल का था वहाँ पर डिटेल्स की इस एयरपोर्ट पे यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हमें मिला नहीं कुछ। भाई कुछ रेट्स आपको बताता हूँ, सैंडविच 250 रुपया, पनीर पैटी 180 रुपीज़। तो आप खुद डिसाइड कीजिए आप यहाँ आके खाओगे या नहीं। हमने तो कुछ चीज़ें ले ली है और इतनी सी चीज़ें सिर्फ 500 रुपये में हमें मिली हैं, तो आप खुद देखना जब आप आओ क्या करो। तो गाइज़ यहाँ पे हमें कम से कम 2 घंटे हो गए हैं यार, और पता नहीं अभी कितना वेट करना पड़ेगा। हमारे PM मोदी जी के आने के चक्कर में हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। आज उनकी रैली है यहाँ कश्मीर में और आज ही के दिन हमारा टिकट भी कंफर्म था, तो आज ही के दिन हमें जाना ज़रूरी था क्योंकि कुछ छुट्टियाँ आगे हमें शिवरात्रि की, तो इसीलिए हम जम्मू जा रहे थे। पर मुझे पहला एक्सपीरियंस में इतना तंग आ गया यहाँ पर, मैं पहले तो प्लान था कि हम 10 बजे आएँगे और 12 बजे हमारी फ़्लाइट होगी, तो मतलब यहाँ से बोर्डिंग करते करते 1-2 घंटा लग जाएगा, बट अब कुछ नहीं होने वाला। बस टाइम पास करने के बाद अब फाइनली सिर्फ 10 मिनट बचे हैं फ्लाइट को, होपफुली ये भी जल्दी से निकले और फिर हम निकलते हैं यहाँ से। बहुत थक गए यार कसम से, लिटरली बहुत थक गए हैं आज भाई। अभी अनाउंसमेंट हुई है, पहले हम गेट नंबर 5 पे थे, अब गेट नंबर 6 की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि चेंज हो गया हमारा गेट जो हमारी टिकट पे लिखा था 5 पर हम 6 पे जा रहे हैं। तो फाइनली अब वो टाइम आ गया है जब हम अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ते हुए। तो गाइज़ अभी हम गेट नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं क्योंकि पहले 5 पे थे, अब 6 पे हमें बुलाया गया है, तो देखते हैं यहाँ जाके क्या बनता है। अब फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्या मसला है, पहले 5 नंबर फिर 6 नंबर अब 7 नंबर के लिए कह रहे हैं, तो चलो अब 7 नंबर पे हम जा रहे हैं। टिकट लेके हम चलते हैं गेट नंबर 7 की तरफ। बड़े तंग कर दिया यार कश्मीर का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, बिल्कुल मुझे सही भी नहीं लगा यार। 3री बार गेट चेंज हो रहा है हमारा अभी तक, तगड़ा वाला सीन आज कसम से यार। एक तो मेरी टिकट उठा के भाग गया और मैं सोच रहा हूँ कहाँ गायब हो गई ब्रो। हाँ तो आपने ना मेरी ये मेरे को पूरा पता था आपने खींची लेके गए, पर फिर मैंने नहीं खींची थी यार ऐसा नहीं है। और ये उमेश की तरफ बुद्ध बैठता, मुझे बोला भी नहीं इसने एक बार कि भाई इसके पास है, ये वीडियो बना रहा ऊपर से वहां से मेरी। वाह वाह यार फाइनली हमारी एंट्री हो गई है प्लेन की तरफ। भाई 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 ये आ गया हमारा। ओह ओह तैयार प्लीज थोड़ा सा। भाई कह रहे थे वहां से यार वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला, ये स्पाइस जेट के प्लेन्स पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहली बार लाइफ में, इट्स अमेजिंग। यहाँ पे शायद अभी फ्यूल्स भर रहा है, जो इसके विंग्स होते हैं उनमें फ्यूल डाला जाता है, और ये दोनों स्पाइस जेट के प्लेन्स हैं यार। आई एम सो एक्साइटेड, कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स राइट नाउ। और मेरे 2 भाई पीछे रह गए हैं, वो पीछे ही रह गए, और अब सब लाइन कतारों में हैं हम एंटर होने के लिए। वहाँ से वो सीढ़ियाँ दिख रही होगी, ऊपर कैप्टन साहब हैं हमारे, ये हैं हमारे कैप्टन फ्लाइट के। ओ भाई एंट्री करते हुए हम प्लेन में, इट्स जस्ट अमेजिंग फीलिंग। ओ भाई देखिए ये है द्वार प्रवेश एक प्लेन का, इस द्वार को हम प्रवेश करेंगे पहली बार।
लेकिन पता नहीं क्यों इतना जाम लगा हुआ है। सो तो भाई सब शांति से अपनी अपनी सीट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर रैक्स में अपना अपना लगेज डाल रहे हैं, जो मतलब 7 kg से कम होता है उसे हम अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो फाइनली मैं हूँ अपनी सीट पे और पीछे वाली सीट पे है अपना भाई। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार, मतलब एक्साइटेड हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं। तो गाइज अभी ना मुझे प्लेन में बैठ के बस वाली फीलिंग आ रही है कि सब लोग अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं और मतलब हर कोई देख रहा है कि कहाँ उसने अपना सामान रखा हुआ है। और भाई पीछे हमारा उमेश, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और मैं ये आसमान की ऊंचाई में, तो फाइनली गाइज हमारे प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है। और पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ यार कि जो पहले आज तक प्लेन में नहीं गए तो कैसा ये एक्सपीरियंस रहता है। ट्रस्ट मी गाइज, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कभी ना गंडोला राइड की हो ना, जैसे वो मेला वगैरह में होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। मैं कहता हूँ वो ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं होने वाला। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे गंडोला में होता है, और जब नीचे आओगे तो तब भी वैसा ही फील होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और काफ़ी स्मूथ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी मज़ा आया मुझे तो। क्रू मेंबर सभी कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जल्दी ही हम पहुँचने वाले हैं, सिर्फ आधे घंटे में हम जम्मू होने वाले हैं। सब शांति से अपनी अपनी सीट्स पे हैं। मतलब एक चीज़ अच्छी है, यहाँ लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस से कुछ डिफरेंट है। तो गाइज फाइनली अब हम जम्मू पहुंच गए हैं और हमारा प्लेन बिल्कुल लैंडिंग के कगार पे है। ये अब लैंड होता हुआ, सो अमेजिंग ट्रिप थी यार। तो भाई फाइनली हम अपने मंदिरों के शहर जम्मू में पहुंच गए हैं और ये नरेंद्र मोदी और हमारे मनोज सिन्हा साहब हमारा स्वागत करते हुए भव्य स्वागत। प्लेन से उतरने के बाद ना आपको जो लगेज आपने सबमिट करा था वो खुद लेना होता है, तो उसी को लेने के लिए अब हम जा रहे हैं। तो ये एक जगह होती है जहाँ से घूमते घूमते सारे लगेज आते हैं, और हमारा हम थोड़ा लेट हो गए थे तो मिस हो गया था वो। सामने से मेरा बैग आ रहा है इसे उठा के, तो अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। और ये है हमारा बाहर का व्यू जम्मू, जो हमारा एयरपोर्ट है यार, ये तो काफ़ी खूबसूरत है। कश्मीर का तो अच्छा था लेकिन ये मंदिरों का शहर और मंदिर जैसे बनाए हैं, काफ़ी अच्छा है ये तो। फाइनली मैं हूँ जम्मू में, लेकिन जम्मू में पहुँच के मुझे घर जाना था पर घर नहीं जा पा रहा हूँ, बिकॉज समवन स्पेशल वन जिसने ये कहा कि आपको पहले मुझसे मिलना है, तो पहले मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कौन है वो स्पेशल वन, मिलवाता हूँ उससे भी आपको, स्टे ट्यून्ड। और उसका रिएक्शन कैसा रहता है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो पहली बार आप सबको अपने स्पेशल वन से आप मिलवाने वाला हूँ, फीलिंग एक्साइटेड। कैसे हो? ठीक हो? तो गाइज ये थी मेरी पूरी प्लेन की जर्नी। कैसी लगी आपको ये जर्नी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट करें और मुझे बताएं आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।